हेलो जी, जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ये देखो, आज फिर ये पानी पूरी वाला, गोलगप्पे वाला आ गया है। बच्चे खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और ये देखो मैक्स को। हरे कृष्णा, राधे राधे, मैक्स राधे राधे। तो ये इसके जो सींग थे ना, इनको चाची जी जो हैं वो दवाई लगा रहे हैं, स्प्रे दवाई जो है। अब सिया ठीक हो गई है। सिया बीमार थी, सिया को बुखार आ रहा था 5-6 दिन से। बेचारी दूध भी नहीं दे रही थी और अब बेचारी ठीक हो गई है। बहुत खुशी की बात है। अब ये अच्छी हो गई है और खाना खूना भी, मतलब घास वगैरह भी अच्छे से खा रही है और है बहुत प्यारी। ये छोटी सी है और देखो इतनी शरीफ है ना ये सिया, कि बस यही था कि बीमार हो गई थी तो बड़ा दुख लग रहा था। अब ठीक हो गई है ये। और पता क्या है, जब जानवर होते हैं ना बीमार, बेचारे बोल नहीं पाते हैं कुछ भी कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इंसान तो बोल देते हैं ना कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो अब ये ठीक हो गई है, बहुत खुशी की बात है कि सिया ठीक हो गई। और ये देखो डॉलर को, ये छोटा सा है ना लेकिन समझदार इतने। मुझे इस ब्रीड का नाम माइंड में नहीं आ रहा है कि क्या नाम है, पर ये ब्रीड जैसे लोग, जैसे आप देख ही रहे होंगे, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है जैसे आप देख रहे होंगे इसको, तो जिनको पता है वो प्लीज बताना कि इस ब्रीड का नाम क्या है। लेकिन ये बहुत ज्यादा समझदार है ये। इसका नाम डॉलर है। और डॉलर मैं बात कर रही थी यहाँ पे, तो ये देखो कैसे लोटपोट हो रहा है ये। बस कि मेरे को गोदी में उठाओ, मेरे से खेलने करो। और ये है डाबर। डाबर तो इतना खतरनाक है, शरीफ भी बहुत है, खतरनाक भी बहुत है। ऐसे तो ये डाबर बोलता कुछ नहीं है, बेचारा शरीफों की तरह चल रहता है। लेकिन जब एक बार ये पड़ जाए तो फिर ये छोड़ता भी नहीं है। इसके दांत जो है वो लॉक हो जाते हैं, तो ये छोड़ता किसी को नहीं है जब तक पूरा का पूरा उसको छिल भरेड़ श्रेड़ ना दे। तो ये देखो कितने मजे कर रहा है ये डॉलर। बस बोल रहा है मेरे को तो खेलते रहो, क्योंकि बच्चा है ये। तो बच्चों का काम क्या है, बच्चों का काम है खेलना 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 खेलना। और ये चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे जानवर का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा ही है। तो ये, और यहाँ देखो मैक्स को, वही मैक्स के ड्रामे। तो मैक्स को तो क्या बोले, ये देखो बॉल पकड़ लिया। जब अंदर होता है ना मैक्स, तो बस अंदर से इसको पता चल जाता है कि बाहर बच्चे जो है वो बॉल के साथ खेल रहे हैं, तब इसकी चूंपड़ू शुरू हो जाती है अंदर से। और बस ये देखो, अब इनसे इसने ये ले ली है बॉल और अब इनको बोल रहा है कि मेरे को पकड़ो। तो मैक्स इतना शैतान है ना, पर मैक्स जो है वो फाइट फूट नहीं करता है ये बेचारा। ये तो बस हमारे साथ खेलने खेलने इसने, और खाना पीना और ऐश करनी, बस ये है इसका काम। मज़े कर रहा है ज़िंदगी में आके ये। और ये देखो, तो बस ये इनको दौड़ा रहा है, थक जाता है, इनको भी थका देता है, फिर थक जाता है, फिर खूब सारा पानी पिएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर बोलेगा कि मेरे को अब चलो फिर से खेलना है। तो ये करता है, ये देखो अब बॉल नहीं दे रहा है इनको ना। बच्चे भी इसके साथ खुश रहते हैं, बस सारे ही बच्चे बोलते रहते हैं बस ताई जी मैक्स को निकाल दो बाहर, हमने खेलना है। और मैक्स को जब सुनाई देते हैं ना ये बच्चे, तो बस ये भी भाई बच्चों के साथ बोलता है कि बस मुझे छोड़ दो, मैंने खेलना है। तो बच्चे भी खुश होते हैं खेलते हुए। और ये देखो इसकी एक्टिंग देखो, नहीं। इसके ड्रामे देखो, ये बस खींच रहा है कि मेरे को दे दो। तो ये है। और एक बात बताऊं, जैसे कोई अननोन पर्सन आता है, जैसे कोई आदमी आ गया, कोई जैसे बेचने पूछने वाले आते हैं ना, तो जैसे ये अंदर होता है ना, तब तो नहीं उनको, नहीं फिर उनको तो बहुत भौंकता है और सोचता है कि बस छोड़ दो मेरे को, मैं पकड़ लूँ इसको इसकी टांग से। और बस ये देखो, तो बाकी तो इसको पता ही है कौन यहाँ का है, कौन कहाँ का है। हेलो जी, राधे राधे, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो भाई आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और टाइम हो रहा है 8:30। कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल कुछ ऐसे ही थोड़ा बिजी शेड्यूल था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल जो था वो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बातें और बहुत खुशी का दिन था कल। तो ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि अंशु को आने देती हूँ कल, उसके बाद ही मैं ये आपसे शेयर करूँगी, गुड न्यूज़ है। और आप समझ ही गए होंगे कि क्या गुड न्यूज़ हो सकती है अंशु को लेके। तो अभी जो है वो मेरे पूजा वगैरह हो गई है, मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और सारा काम ख़त्म कर दिया मैंने। अभी सुबह का नाश्ता बन रहा है क्योंकि कल था मेरा एकादशी का व्रत। तो अभी जो है मैं उसका पारण कर रही हूँ और अभी मेरे काना को, मेरे बांकों को लग रहा है, बना रही हूँ मैं अभी सूजी का हलवा। तो अभी बस व्रत का पारण करना है और
एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार किया है। योगिनी एकादशी थी कल, तो कल परसों मुझे नामधाम मिल गया था, तो बस परसों भी मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। अंशु को लेके गुड न्यूज़ थी, और परसों ही मुझे जो था वो नामधाम मिला था, और कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो अभी मैं उसका पारण करने जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, कान्हा को भोग लगा लेती हूँ और खुद भी व्रत का पारण कर देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए राधे राधे जी। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह ही अपने व्रत का पारण कर दिया था। मैंने व्रत कल एकादशी का किया था, योगिनी एकादशी थी। तो योगिनी एकादशी का जो महत्व है वो तो बहुत बड़ा महत्व है उसका, कभी इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको कि योगिनी जो एकादशी होती है उसका क्या महत्व है। तो वो मैंने कल से जो पहली बार मैंने व्रत किया था, तो जैसे मुझे नाम दाम मिला तो उन जो मेरे हमारे गुरु हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि एकादशी का व्रत जो वो बहुत ज़रूरी है। तो महीने में दो एकादशी आती हैं, वो आपको व्रत करने ही करने हैं, बाकी कोई व्रत करो ना करो, बट आपको ये वाला व्रत जो है वो करना ही है। तो इस तरह से फिर मैंने ये व्रत किया और मुझे मज़ा भी बहुत आया और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। जैसा कि व्रत में मुझे बहुत भूख लग पड़ती है, ऐसे लगे ना लगे लेकिन व्रत किया हो तो मुझे भूख लग पड़ती थी। तो इस व्रत में क्या था कि मुझे बिल्कुल भी भूख की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी आ गई थी। तो गुड न्यूज़ ऐसी थी कि पूरा दिन जो था कल का तो पूरा दिन फ़ोन पे ही, और आज भी फ़ोन पे, इतने ज़्यादा फ़ोन पे। और बहुत खुशी की बात है जो कि मैं आपसे अंशु के आने के बाद ही शेयर करूँगी। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि खुशी की बात क्या हो सकती है, लेकिन एक माँ बाप के लिए ये इतनी बड़ी खुशी बच्चों को लेके जो है वो, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है ना, कि जब हमारा जो माँ बाप का जो जीवन होता है सक्सेस हो जाता है, जिनके बच्चे सारे सेट हो जाते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई में को लेके जो आगे बढ़ते रहते हैं बच्चे, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारा बच्चा निकल गया, उनका बच्चा निकल, सभी के बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर जब पहुँच जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को जो है वो उस ऊँचाई पर देखना चाहते हैं जहाँ पे मतलब उनके सपने होते हैं माँ बाप के। कि और व्रत का पारण जो किया मैंने, तो पहले एकादशी की जो कथा थी वो पढ़ी मैंने, ये एकादशी व्रत की कथा आती है तो ये मैंने पढ़ी। इसको पढ़ने के बाद ही इसमें ना क्या है कि सारी जो एकादशियों के व्रत हैं, जैसे मैंने योगिनी एकादशी का व्रत किया था तो योगिनी एकादशी की जो कथा थी वो भी इसमें थी। उसके बाद जैसे निर्जला एकादशी थी पिछले महीने तो उसकी कथा भी इसमें। तो ये सारी जो एकादशी व्रत की कथाएँ इसमें, जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उनका सारा महत्व इसमें लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी पूरे एक साल में जो आती हैं तो सबकी अलग अलग कथा यहाँ पे सारी एकादशियों की है। तो ये मैं लाई थी और ये मैं पिछले साल ही ले आई थी, क्योंकि एक साल दो डेढ़ साल से ही मेरे मन में था कि मैं एक एकादशी का व्रत रखूँगी कभी, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी एकादशी का व्रत करने की। लेकिन इस बार जैसे जैसे हमें मेरे जो हमारे गुरु जी हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि एकादशी का व्रत करना कितना हमारे लिए लाभकारी होता है और हमें ये बहुत ज़रूरी है व्रत करना, बाकी चाहे व्रत हो चाहे ना हो, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो ये चमक रहा है तो वो ज़रूरी है करना। तो बस जी, और आज का दिन तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ़ोन पे लगे रहे आज, और वीडियो जो थी छोटी छोटी क्लिप वो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ठीक है जी, फिर कल जैसे अंशु आएगी तो उसके साथ बात करके फिर आपसे शेयर करूंगी उसकी भी खुशी, गुड न्यूज़ जो है वो भी मैं शेयर करूंगी। तो ठीक है जी, फिर आज का ब्लॉग इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी। और हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे हमारे गुरु जी उन्होंने नियम बताए हैं, तो मैंने उन्होंने हमें जैसे माला जाप करना, माला जाप तो मैं पहले से ही करती आ रही हूँ, लेकिन कितनी करती थी कितनी नहीं करती थी वो तो अब गुरुजी ने बताया कि हमें कितनी करनी है। तो पहले तो मैं थोड़ी थोड़ी करती थी, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन किस तरह से बढ़ानी है हमें वो बहुत ज़रूरी है कि इतनी ही हमें करनी ही करनी है। अभी मैं थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं सीख रही हूँ, और मुझे ना सच्ची आनंद बहुत आ रहा है इसमें चलने के बाद, क्योंकि
जो वैष्णव है ना, जो मतलब जो मुझे मिले हैं गुरु बहनें जो मुझे मिली हैं, उनके साथ मुझे इतना आनंद आ रहा है ना, क्योंकि वो हर टाइम भगवान की बातें करते हैं, मेरे कृष्ण की बातें, मेरे बांके बिहारी की ही बातें होती रहती हैं, तो बहुत आनंद आता है उनसे बात करके। और प्रभु के जो लीलाएँ हैं उनके बारे में वो बताती हैं, सुनते हैं हम, तो बहुत आनंद आता है। और फिर बस जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।